नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर्स के बारे में। टर्बो चार्जर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं मुझे। टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, टर्बो चार्जर क्यों लगाते हैं, टर्बो चार्जर टर्बो चार्जर टर्बो चार्जर टर्बो चार्जर टर्बो चार्जर, तो इतने सारे क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल लाजमी है वीडियो बनाना। और मैं खुद काफी वक्त से सोच रहा था, लेकिन थोड़ी सी परेशानी क्या आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं यूं हाथों से समझाता हूँ शायद समझ नहीं आता। तो मैंने जुगाड़ किया आपके लिए एक व्हाइट बोर्ड का, जिसके थ्रू मैं आपको आज प्रॉपरली समझाने वाला हूं कि टर्बो चार्जर आखिर काम कैसे करता है। लेकिन ये समझने से पहले दो तीन चीजें बताता हूँ, पूरा वीडियो देखना आराम से ताकि समझ आ जाए। उन लोगों के लिए भी काम का होगा ये जो लोग डीजल व्हीकल चलाते हैं, ताकि उन्हें समझ में आएगा कि आखिर उनका व्हीकल जो है सांस कैसे ले रहा है। अब मैं इसको एकदम सिंपल टर्म से समझाता हूँ। ये जो टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी होती है, ये एक्चुअली व्हीकल के सांस लेने का तरीका जो होता है उसकी बात है, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं ये, एक तो टर्बो चार्ज होता है, एक होता है नेचुरली एस्पिरेटेड, एक और होता है सुपर चार्ज, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अभी के लिए दो ही है, नेचुरली एस्पिरेटेड और सुपर चार्ज, जो कि इंडिया में मोस्टली कारों में ये दो ही मिलेंगे आपको, ठीक है। नेचुरली एस्पिरेटेड एकदम सिंपल है, आपकी कार में जो इंजन लगा है उसमें जो हवा अंदर जानी है वो नॉर्मल बाहर से जो भी हवा है एयर फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके जाएगी। अपने आप जो इंजन जितनी हवा खींच रहा है अपने से वही हवा है, ठीक है, उतना ही आया बाहर निकल गई हवा, एग्जॉस्ट से बाहर निकल गई कंबस्टन होने के बाद में, सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन टर्बो चार्ज में दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम जान लेते हैं टर्बो चार्ज के बेनिफिट्स। टर्बो चार्ज के बेनिफिट तो ये है सबसे पहले कि ये ज्यादा एयर अंदर अलाउ करता है, इंजन में ज्यादा एयर आती है तो फ्यूल जो है ज्यादा बेहतर तरीके से बना होता है, फ्यूल जो है खर्च हो रहा होता है उसमें, बहुत कम ही ऐसा होता है कि फ्यूल जो है खर्च किए बिना चल जाए, यानी जले ही ना, फालतू वेस्ट चला जाए, वेस्ट नहीं जाता है, सब कुछ यूज के लिए, इसीलिए फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। आपने देखा होगा डीजल वगैरह में फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलने का कारण ये होता है, प्लस ज्यादा पावर होती है, हर एक स्ट्रोक से ज्यादा पावर जनरेट होती है, तो टर्बो चार्जर मेनली ज्यादा पावर के लिए यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज, जी हाँ, इसके डिसएडवांटेज भी है। एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि टर्बो लैग होता है, क्योंकि टर्बो चार्जर का अभी जब मैकेनिज्म आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि टर्बो चार्जर जो है वो एक्चुअल में हल्का सा गाड़ी को लैग देता है, पावर में लैग देता है, क्योंकि वो अब हवा जो है उसका प्रोसेस फ्लो होगा, इतना सा एक लैग आता है गाड़ी में, थोड़ा सा जिसे टर्बो लैग कहा जाता है। तो वो सब चीजें अभी मैं समझा दूंगा, अब शुरू करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टर्बो चार्जर का मैकेनिज्म। आई होप ये सारा दिख रहा हो आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखो, बहुत ही बुरी तरीके की ड्रॉइंग है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये इंजन का एक सिलेंडर है, आमतौर पे तीन सिलेंडर चार सिलेंडर होंगे, लेकिन ये इंजन का एक सिलेंडर है। सिलेंडर में ये पिस्टन जो है ये घूम रही है। नॉर्मली क्या होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में कि इंटेक से हवा आई एग्जॉस्ट में चलेगी, इतना सा ये पार्ट होता है, ये चीजें नहीं होती, ये नीचे का जो भी मसाला मैंने बना रखा है ये नहीं होता है, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पे टर्बो चार्ज वाले में, ये जो पिस्टन है यहाँ की, पहले इंटेक, चलो मान लो कुछ हवा आई हुई थी, यहाँ से हवा आ गई, ठीक है, आगे का समझते हैं, यहां से गैसेस बर्न हुई, पावर जनरेट हुई, और जो है प्रदूषण जिसे या बोलो एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो यहां से निकल के आती है यहां पे। ये होता है टर्बो। टर्बो जो लगा होता है उसमें दो तरह की टर्बाइन होती है, एक जो होती है वो सारी गैस जो गर्म गैसेस आ रही है यहां से एग्जॉस्ट गैसेस उससे घूमती है टर्बाइन, और वो ही कनेक्ट होती है एक नीचे और टर्बाइन से। ये एक्चुअली नीचे वाला जो होता है वो कंप्रेसर होता है, जो कि बाहर से फ्रेश एयर खींचता है, एयर को करता है कंप्रेस और आगे भेजता है। अभी प्रोसेस फिर से यहां से समझते हैं, गैस आई, ठीक है, इस टर्बाइन को घुमाया क्योंकि हॉट थी गैसेस, तो हॉट एयर ने इसको घुमाया और वहां से वो जो हॉट एयर थी वो तो बाहर निकल गई, जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो तो बाहर निकल गई, लेकिन उसके नीचे वाले टर्बो में से क्या हुआ, फ्रेश एयर जो है अंदर घुस रही है कंप्रेसर के अंदर। ये दोनों लिंक्ड है, इसलिए नीचे वाला भी घूम रहा था, नीचे वाला उल्टी तरफ दूसरी तरफ घूम रहा है, उसके पिन इस हिसाब से लगी हुई है कि वो जो है सारे की सारी फ्रेश एयर को अंदर ले रहा है। फ्रेश एयर को अंदर लिया, कंप्रेस किया, जब कंप्रेस किया तो एयर थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वो गर्म हुई हुई एयर जो है उसको ठंडा करने के लिए इंटरकूलर लगाया जाता है। इसको ठंडा करना इसलिए भी जरूरी होता है एयर को, क्योंकि अगर गर्म हुई हुई एयर यहाँ जाएगी तो फिर से कंबस्टन जो है प्रॉपरली उतना मजेदार नहीं हो पाएगा जितना ठंडी एयर के कारण हो पाए। तो यहां से बिल्कुल लाई जाती है एयर, यहां लाके इंटरकूलर लगा होता है, कई गाड़ियों में आपने देखा होगा इंटरकूलर का टैग लगा होता है, तो इंटरकूलर ये होता है, यहाँ पे इंटरकूलर में ठंडी हुई गैस या एयर, जो एयर ठंडी होने के बाद में कूल एयर चलती चलती यहाँ इनटेक जो हो रहा होता है ऑलरेडी हल्का फुल्का, उसके साथ में खूब सारी एयर जो है यहाँ से ये टर्बो में से निकल के आ जाती है। ये पूरा का पूरा टर्बो का मैकेनिज्म है। कुल मिला के टर्बो चार्जर जो है वो एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक्स्ट्रा सांस देता है इंजन को, यहाँ पे कंबस्शन जो है बेहतर तरीके से होता है, ज्यादा हो पाता है एक ही स्ट्रोक में, और उसके बाद में सारा का सारा एग्जॉस्ट जो है इधर जब बाहर निकल रहा होता है, निकलने से पहले फिर से उस टर्बाइन को रोटेट कर देता है,
जो टर्बो लैग वाला प्रॉब्लम है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि पहले यहां से इनटेक से आएगा, यहां पहुंचेगी, वो यहां पहुंचेगी, बस ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा टर्बो लैग होता है, तो ये टर्बो लैग आपको फील हो जाता है। सुपर चार्जर जो अगर आपको एक्सप्लेन करवाना हो, आपको समझना हो, तो मैं समझा दूंगा, उसमें ये टर्बो लैग नहीं होता है। तो बस ये है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई ज्यादा हार्ड पास नहीं है। हाँ, लैग कम करने के लिए भी कई चीजें हैं, कई गाड़ियों में टर्बो लैग नहीं दिखता है, वो उसका कारण ये होता है कि ये जो टर्बो जो है वो छोटा लगा दिया जाता है, छोटा होने के कारण ये सब चीजें फटाफट हो जाती है। इसकी कैपेसिटी बड़ी होगी तो ये ज्यादा एयर तो दे देगा ज्यादा, लेकिन वो टर्बो लैग थोड़ा ज्यादा दिखेगा आपको। तो बस ये मोटा मोटी तौर पर टर्बो चार्जर की कहानी है, जो भी है ऐसी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई पेट्रोल में टर्बो चार्जर कम क्यों यूज होता है। हालांकि होता है, हमने देखा होगा, नई नेक्सन का इंजन जो है वो टर्बो चार्ज होगा, बलेनो आरएस का टर्बो चार्ज है, अपोलो जीटीआई का है, तो पेट्रोल में कम यूज क्यों आता है। आमतौर पर टर्बो चार्जर डीजल में ही क्यों होता है, डीजल में तो लगभग सब में आपको देखने को मिलता है। तो मेन कारण ये है, पेट्रोल जो है वो हाई रेव तक चल सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रेव कर सकता है, और हर एक उसकी पावर बैंड लंबी होती है। डीजल जो है उसकी रेविंग इतनी नहीं होती, पावर बैंड उसका लंबा नहीं होता, एक पॉइंट ऑफ पे बहुत ज्यादा वो आपको जो है पावर देगा, और फिर वो पावर उसकी धीमी हो जाएगी डीजल की, इसलिए वहां पे टर्बो लगा दिया जाता है ताकि वो पावर जो है वो चलती रहे आगे की हायर आरपीएम पे भी चलती रहे। तो इसलिए डीजल में ज्यादा जरूरत होती है, प्लस डीजल जो है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता है, तो उसको ज्यादा जब एयर देते हैं तो ज्यादा प्रॉपरली वो बर्न हो पाता है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे पाता है। तो इन सब चीजों के कारण डीजल में जो है टर्बो लगाया जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आमतौर पर प्रेफर किया जाता है कि नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही ज्यादा यूज किया जाए पेट्रोल के मामले में, वरना आजकल भी पेट्रोल के मामले में भी टर्बो चार्ज इंजन आते हैं। तो बस फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको टर्बो चार्जर वाली चीज पसंद आ गई होगी, मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली एक नया ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।